नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल मिस्टर एंड मिसेस भट्ट में। आशा करता हूँ आप सब अपने घर में स्वस्थ और कुशल मंगल होंगे। और हो चुकी है नए दिन की नई शुरुआत, और आज कुछ खास तो नहीं है, बट आज ये बताने के लिए मैं आपके सामने आया हूँ कि हम सीधा गांव से आने के बाद रुचि का अचानक से हो चुका है प्लान कहीं जाने का। तो वीडियो में बने रहिएगा, हम बताएंगे कहाँ जाने वाली है रुचि, है ना। तो रुचि से ही फेस टू फेस पूछ लेते हैं कि कहाँ जाने वाली है रुचि। तो हाँ रुचि, तो कहाँ जाने की प्लानिंग हो रही है तुम्हारी, है? तो मैं जा रही हूँ अपने मम्मी के पास, अपने घर मायके। तो अचानक से ही प्लान बनाया है गाँव से आने के बाद। जैसे कि आप लोग को पता है मेरी वैकेशन स्टार्ट हो गई है, मतलब गाँव से आने के बाद मुझे ज्वाइन करना था दोबारा से। एक दो दिन ज्वाइन किया तो थोड़ा तबियत मेरी ऊपर स्लो डाउन हो गई थी गाँव से आने के बाद। रुचि की तबियत काफी खराब हो गई थी, मतलब वायरल हो गया था रुचि को कुछ। अभी पिछले वाले एक दो ब्लॉग में लोगों ने बोला भी रुचि चुप सी की हुई, क्योंकि चुप रहने का रीजन यही था कि रुचि को वायरल हो रखा था, तो तबीयत भी ज्यादा खराब थी, बुखार आ रखा था, तो इसलिए थोड़ा सा बुखार आ गया था। वीकनेस। जॉब मेरा प्लान था जून से लीव करने का, बट मैंने उससे पहले ही छोड़ दिया, क्योंकि हालत ऐसी नहीं थी कि मैं जॉब कंटिन्यू कर पाऊँ। तो फिर जॉब से मैंने ले लिया है लॉन्ग वेकेशन, और अब लॉन्ग वेकेशन हो ही गया तो मैंने सोचा कि अपनी मम्मी के पास चली जाती हूँ मिलने के लिए। अब इस टाइम पे याद भी आ जाती है मम्मी की, तो फिर अब जा रही हूँ। फाइनली प्लान बन गया कि कल मैं जा रही हूँ अपनी मायके, और अभी मैं दिखाऊंगी क्या क्या पैकिंग करती हूँ, कैसे क्या होता है। तो अभी रुचि जाने वाली है अपने मायके, तो मायके के लिए प्रिपरेशन करेगी कि क्या तैयारी, क्या ले जाना है, क्या नहीं ले जाना, तो उसकी सारी पैकिंग रुचि दिखाएगी आपको। क्योंकि मैं जाने वाला हूँ शॉप पे, आपको जैसा कि पता है कि मेरी शॉप है, तो शॉप पे मैं जाने वाला हूँ, तो रुचि अकेला ही अपनी तैयारी करेगी, अपना बैकपैक जो भी है, है ना। तो रुचि को करने देते हैं बैकपैक और हम चलते हैं शॉप की तरफ। सबसे पहले पैकिंग में जा रही है मेरी मेडिकल रिपोर्ट्स, क्योंकि वहाँ पे पता नहीं मैं कितने दिन के लिए जा रही हूँ, तो फिर वहाँ पे कभी भी जरूरत पड़ सकती है अगर विजिट करना होगा। मेडिकल रिपोर्ट के साथ सबसे ज्यादा जरूरी है ग्लूकोन-डी। हाँ, ग्लूकोन-डी में जबरदस्ती भेज रहा हूँ रुचि, इसको मम्मी जी पिला देना। हाँ, अरे ऐसे ही खोल दो ना यही बाहर से जिप से, क्योंकि मेरे को लगा ना कम ही सामान होगा, तो फिर बाद में पता चल रहा है कि मिस्टर भट्ट कह रहे ये भी ले जाओ। भरो भरो अच्छे से भरो। अरे नहीं चाहिए वो, उसे यहाँ कोई खाता नहीं है। ये नारियल पानी वाले आ गए लेके आ रहा। तो ये देखो नारियल पानी किसी के बीच आ चुका है, मेरा नारियल पानी। स्पेशल नारियल पानी। नारियल पानी पी लो। यहाँ पे ये सही है ना, घर के सामने आ जाते हैं नारियल पानी वाले। जैसे कि आपने देखा था थोड़ी देर पहले कि इन्होंने सारी ग्लूकोन-डी जो भी खाने पीने का सामान है सब इस बैग में रख दिया था, जो कि मेरा बिल्कुल भी प्लान नहीं था इस बैग में रखने का। इस बैग में मैं सिर्फ कपड़े ले जा रही हूँ, और एक और बैग ले जा रही हूँ ये वाला। तो अभी मैंने सारा जो भी खाने पीने का सामान इन्होंने रखा था वो सारा मैंने इस वाले बैग में फिट कर दिया है, और इस बैग में कपड़े तय लगाऊंगी। वो मैंने कुछ दिन पहले जो जो कपड़े मुझे ले जाने थे कंफर्टेबल वाला, वो सारा मैंने उसमें ऐसे ही रख दिया था ऊपर से, तो अब इसकी तय लगाती हूँ। तो ये मैं आ गई हूँ, बुलावा आ गया है मुझे। तो बुलावा आ चुका है कि यहाँ पर रुचि बैठेगी। अभी मेरे को थोड़ी देर का काम है बाहर से, तो बाहर जाके होके आता हूँ, तो मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में, क्योंकि अभी जाना है जरूरी है, तो इसलिए दुकान अब दुकान में मैं बैठने वाली हूँ। दुकान में बैठने वाली है रुचि। चलो फिर जाओ, मिलते हैं। तो मैं सोच रही थी ये वाला कुर्ती लेने के लिए, तो देखो अच्छा लग रहा है ना, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि मुझे लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। वैसे तो ये बहुत सुंदर है, आप लोगों ने भी उनका ब्लॉग देखा होगा, तो दी ने भी ये नेवी ब्लू कलर में उन्होंने भी ले रखा है, मुझे भी ये वाला कलर बहुत सुंदर लग रहा है। वैसे तो अब मैं दुकान में रहती हूँ, तो मुझे मन करता है कि सब सारी चीज़ें ले लूँ एक एक करके, बट ऐसा हो नहीं सकता। अभी दोपहर हो चुकी है, तो दोपहर का खाना बन चुका है। तो दोपहर का खाना बन के तैयार होके अभी मैं शॉप नीचे से क्लोज करके और ऊपर ही आया हूँ। तो ऊपर तो खाना खाने के लिए आया हूँ मैं ऊपर, तो खाना खाने के लिए बैठी है मम्मी साथ में, है ना। माँ कैसा लग रहा है खाना आज रुचि ने बनाया? आज रुचि ने दाल चावल बना रखा, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे। तो आज रुचि का लास्ट दिन भी है यहाँ पर, है ना। तो उसके बाद चली जाएगी मायके। हाँ, उसके बाद चली जाएगी मायके, और आज लास्ट दिन है।
तो खाना कैसा लग रहा है? बढ़िया दाल बढ़िया है। और यहाँ पर रुचि भी खा रही है, कैसा लग रहा है रुचि? बढ़िया बढ़िया जबरदस्त। दाल देख सकते हो, दाल। और यहाँ पर निक्कू का भी खाना रख चुके हैं, मगर ये किक्कू कुछ नहीं खाती है, कुछ नहीं खाती है। किसकी कौन करेगा? किस कौन करेगा बोलो? शाबाश। हेलो दोस्तों बोलो। हेलो दोस्तों बोलो। हेलो दोस्तों बोलो। हेलो दोस्तों। यहाँ पर निको भी मतलब जोर शोर से खाना खा रही है, तो इसे खाना खाने देते हैं और चलते हैं। तो दिन के खाने के बाद हम सो गए थे, तो सोने के बाद पता चला कि रुचि कर रही थी यहाँ पर पैकिंग। और पैकिंग में दिखाता हूँ, रुचि ने दो बैग पैक कर लिए हैं, ये देखो और ये देखो, और दोनों भर लिए हैं बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। ऐसा क्या रखा है रुचि इसमें? मैं बताती हूँ, तो बताओ। ब्लैक वाले में तो बैग भर भर के मतलब उठाएगा नहीं रही है। नहीं तो मैंने जैसे आप लोग को दिखाया था पैकिंग करते टाइम कि मैं इसमें सिर्फ कपड़े रखूंगी और इसमें मेरी दवाई वगैरह और क्या बोलते हैं, हाँ, प्रोटीन वगैरह जो भी है वो सब चीजें मैं इसमें रखूंगी। तो मैंने उठाया भी नहीं जा रहा है, खाने पीने के सामान इसमें कोई नहीं। ये वाला मैं उठा लूंगी, ये वाला आप उठा रहा, ये देखना। और इसमें इतना भारी बैग तो मैं गाँव भी नहीं ले गया था। हाँ ये बात तो सही है, ये यही वाला बैग लेके गए थे हम, लेकिन ये इतना बड़ा नहीं था, इतना भरा हुआ नहीं था। इतना भारी मैंने इसे गाँव में भी नहीं करा था, इतना भारी रुचि ने यहाँ पर कर लिया दिल्ली दिल्ली में। तो आप तो क्या सोच रहे हो, लंबी छुट्टियों पे जा रही हूँ मैं? हाँ तो मुझे लग ही रहा है कि इतना सारा पैकिंग करके रुचि का आने का विचार नहीं है, मुझे लग रहा है ना। हाँ काफी टाइम बाद जा रही है ना इसलिए। हाँ काफी टाइम बाद, अभी लास्ट थोड़ा वेकेशन होना भी चाहिए। हाँ लास्ट तो मैं बता रही थी, मैं आखिरी कब मई में गई थी अपने घर, गई नहीं थी मई में, मम्मी और आए थे। तो अब उसके बाद मैं जा रही हूँ लास्ट, तो मैं कभी शायद लास्ट ईयर ही गई होंगी, है ना। और इस टाइम तो बढ़िया वाला छुट्टी है मेरी, कोई टेंशन, जॉब की कोई टेंशन नहीं है, जॉब की कोई टेंशन नहीं है, जॉब से छुट्टी मिल चुकी है ऑलरेडी 6-7 महीने की, तो बढ़िया से आराम से काट के साल भर तक काट के और इसी के साथ बाहर भी मौसम हो चुका है बहुत बढ़िया, क्योंकि अभी बहुत मौसम ऐसा हो चुका है कि ठंड लगनी शुरू हो गई है हल्की हल्की, है ना। हाँ आजकल दिल्ली में रोज बारिश हो रही है और मौसम ऐसा हो रहा है कि हवा चल रही है, तूफान चल रहा है सही वाला, तो इसी चक्कर में मौसम भी ठंडा बना हुआ है, इसीलिए सो गए थे आप, इसीलिए नींद आ गई दिन में। तो इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, और मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। तो अगला ब्लॉग दोस्तों बहुत ही धमाल वाला होने वाला है, क्योंकि वो होगा रुचि के घर पे, है ना। हाँ। जी अपने घर से बनाएगी ब्लॉग्स, तो देखते रहिए, बने रहिए हमारे ब्लॉग्स के साथ, मिस्टर एंड मिसेस भट्ट के साथ।